नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं राजस्थान के अमरनाथ कहा जाने वाला मंदिर परशुराम जी महादेव। वह घने जंगलों के बीच एवं पहाड़ियों के बीच बचा है, तो हम आज उन्हें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप मेवाड़ की ओर से कुंभलगढ़ होते हुए आ रहे हो, तो रास्ते में यह जो गेट बना हुआ है वह आपको दिखेगा। यहाँ से आपको 1 किलोमीटर अंदर जाना होता है। अगर आप मेवाड़ साइड से आते हो, मतलब कुंभलगढ़ से आ रहे हो, तो यहाँ आपको पहुँचना होता है। ये है फाटा देव, यहाँ छोटा सा बाजार है और उधर भी देवी स्थान है और बड़ा सा वो बना है शेड, तो उधर आप गाड़ियाँ रख सकते हो। इधर धर्मशाला भी है, कुछ खाने जैसी चीज़ें भी है, तो वहाँ आप खा भी सकते हो और नाइट भी रुक सकते हो। और यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर भी है, तो यहाँ आप जो कल्पवृक्ष माना जाता है उसका भी दर्शन कर सकते हैं। और जो हमारे नक्षत्रों के हिसाब से वो सब पेड़ पौधे होते हैं, उनका इधर रोपण किया गया है। आ बीज पाकी गया है, पण है ना है हारो। इधर कोई अनजान सा पौधा है, पता तो नहीं है, पर उनका बीज हमने ले लिया है। सुसे कदम प्रकृति मित्रों के भेजने कदम के यस आगे यहीं देखेंगे। तो हम ये जो भगवान का हमारे शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन एवं कविताएं सब गाथाएं है, वह कदम का वृक्ष यहाँ पर है, लगाया हुआ है, तो उसका भी दर्शन आप कर सकते हैं। यह एक पहाड़ की चोटी पर है। कसुब्रो अलग कदम अलग यार, कसुब्रो पर्पल यू क्या भाई है। हाँ क्यों मंदिर की दुआ पड़े त्यों में बेचा बोर्ड ली दो है तो पकड़ो ये हो। यह रास्ता है, वह हमें मंदिर की गुफा और ले जाएगा। और इधर टूटे हुए मंदिर के अवशेष भी आप देख सकेंगे, इधर शिवलिंग भी है, तो ना धबड़ों से बनाया हुआ, कहीं कहीं सोपान भी आएंगे, तो क्रॉस करते करते मंदिर तक पहुंचेंगे। ये जो आप सामने की साइड देख रहे हो वो मारवाड़ पड़ता है, और इधर बादल देखो आप शानदार। दोस्तों आज हम राजस्थान से का राजस्थान जिला है, वहाँ जो फूटा देवल करके एक शानदार रमणीय स्थल है, तो वहाँ पे है बहुत घने जंगल के बीच ये प्राकृतिक स्थान है। और यहाँ पे जो परशुराम महादेव जी का जो पुराना मंदिर है, वो मेन गुफा है, वो यहीं से 1 किलोमीटर दूर है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ का नज़ारा है, वो बादल है, वो इस पहाड़ों से बात कर रहे हैं, ऐसा नज़ारा दिख रहा है। और हम चार मित्र एक साथ जा रहे हैं ये मज़ा लेने के लिए। ये देखिए जनाब, ये चल पड़े हैं झोली लेके
परशुराम के धाम में। देखिए हम दो मित्र और ये हमारा साथीदार मित्र, ये कुत्ता भी साथ देने को चल रहा है क्योंकि यहाँ वो तेंदुए का डर रहता है, तो हमने वो कुत्ता भी साथ लिया है। मुआवनी भिगोवादी जहाँ भी हम कोई धार्मिक स्थान पर पहुँचते हैं, वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो लोगों की एक श्रद्धा आस्था भक्ति जो बोले वो होता है। और ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिल जाती है कि एक के ऊपर एक ऐसे पत्थर जैसे रखते जाते हैं और उनके दिमाग में एक ऐसी जो होती है एक मान्यता होती है कि जो ये पत्थर जितने ऊंचा होता है, जितने पत्थर होते हैं उतनी मंजिल की इमारत मेरी ये जिंदगी भर में बना पाऊंगा, ये एक आस्था का केंद्र होकर के अक्सर लोग ऐसा बनाते रहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। अगर आप मारवाड़ की ओर से आना चाहते हो तो बड़ी सादड़ी होके, बड़ी सादड़ी से 13 किलोमीटर आपको आना होता है, वहाँ धर्मशाला भी बनी हुई है, तो इधर गाड़ी रख के आपको 1.5 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। यहाँ पर रास्ते में जो मेन गाड़ियाँ खड़ी रहती है वहाँ से मेन गुफा तक जाते जाते ये जो पेड़ है वो नया पेड़ हमें देखने को मिला है, इसका जानकारी हमें भी नहीं है पर कहीं से हासिल कर लेंगे। और ये देखिए पारस पीपल है, रास्ते में कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाती है जैसे ये कुदरती रीत से बना हुआ ये प्रतिकृति प्राणी। और ये देखिए जनाब की यहाँ बादल हैं, वो सब तो ऐसे ही जनाब ना बोलो अरे गाइस गाइस देखिए ये कई यहाँ पे नए नए पेड़ पौधे उस्ताद देखने को मिल रहे हैं, और ये कई विकृत लोग हैं हमारे यहाँ भी कि ये ऐसा ऐसा बना देते हैं, इससे क्या होता है कि ये पेड़ पौधे को बड़ा नुकसान होता है, ऐसा कृपया ना कीजिए, ऐसा कभी मन नहीं करना चाहिए। और यहाँ सलाई का पेड़ है और मेरा मित्र ये झोली लेके चल पड़ा है। और रास्ते में ये सलाई के पेड़ बहुत सारे हैं इधर, और सलाई का जो और यहाँ देखिए गंध होता है वो अक्सर लोग धूप में अगरबत्ती बनाने में ऐसी सब सुगंधित चीजें बनाने के लिए इसका गोंद है इसका और करते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए ये मजा लीजिए, यहाँ पूरे के पूरे बादल हैं, आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ देखिए ये पूरे के पूरे बादल हैं और हम बादल के ऊपर हैं, ये बादल पूरे नीचे रह गए हैं और हम बादल में हैं, और ये कैमरा ऐसा नहीं है हमारे पास कि दिखा सके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये अच्छा है मौसम सुहाना। साथ ये मित्र है पूरी की पूरी चौकी करता हुआ, फॉग की वेल भी है। फॉग की वेल भी है। हेलो नीचे उतर रहे हैं, वैसे वैसे ये शानदार नजारा, पेड़ है बादल है, उससे हम जैसे उनमें जा रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, और आज का दिन हमारा शानदार दिन रहेगा जी। हमारा दिन हमारा तो वाओ फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं बादल में, अभी ये बादल है पूरे के पूरे बादल हैं, यहाँ धुम्मस ही होता है बादल में और हम बादल में ही जा रहे हैं, आप देखिए। ये परशुराम सेवा ट्रस्ट का एक शानदार काम है कि ये जो लाइट है वो वहाँ 1.5 किलोमीटर दूर वहाँ तक पहुँचाई है। बहुत बढ़िया जगह है, ये देखने लायक है, आप आ सकते हैं, ये कुंभलगढ़ के पास ही पड़ता है,
और आप सायरा से कुंभलगढ़ रूट लेते हैं तो बीच में परशुराम जी का गेट बना हुआ आता है, वहां से आप इन साइड 2 किलोमीटर आना पड़ेगा और उसके बाद 1 किलोमीटर चल के जाना। वो चल के जाने में बहुत मजा आएगा क्योंकि वो यहाँ 4-व्हील 2-व्हील वगैरह नहीं जाता है और पूरे का पूरा प्रकृति का आनंद आप लूटने चाहते हैं तो ये से चले आइए। वहाँ पे बादल थे, हम बादल में से आए हैं, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा धुम्मस लगा हुआ है और यह जगह 1 किलोमीटर के ऊपर की हाइट की है। ये कौन सा पेड़ है? पलाश है, अलग प्रकार का पलाश। हाँ, वो बड़ा वाला पलाश है। नहीं है ये अलग पलाश नहीं है। नहीं नहीं, वीडियो बंद कर, सड़न का जाता वो यार, ये तो ऑर्डर दे। देखिए दोस्तों, ये वहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती है, वहाँ जो धर्मशाला है वहीं से आते रास्ते में एक ये पेड़ भी हमें दिखा है और ये पेड़ आज तक मैंने भी कहीं नहीं दिखा है तो वैसे पलाश का कुल का ही होगा शायद, पर ये अलग प्रकार का एक पेड़ है। ये नजदीक से मेरा दोस्त दिखाएगा, ये वाला। थैंक्स। और पीछे हमारे दोस्त लोग हैं और ये कुछ आगे भी है, वो साथी लोग हैं, वो दौड़कर जा रहे हैं। और ये देखो पीछे पूरे का पूरा बाधा हुआ है। सलाई बहुत है यहाँ। और ये क्या है? ये अलग, ये गोदल, गोदल। ये आप, हम वह बादल में से आए हैं और हम झरना बन के बह रहे हैं। पूरा का पूरा झरना बन के बह रहे हैं और यहाँ भी बादल है, क्या करें, पूरा का पूरा बादल खा गए हम। चालू यार, खाई है ये तो। ये रहा पारस पीपल बड़ा सा, ये पारस पीपल है। और एक ये पौधा है, ये भी शायद इधर ही है तो वैसे तो अरडूसी के टाइप के उसके पान है, पर अरडूसी नहीं है, ये कोई दूसरा पौधा है, ये अरडूसी के वर्ग का ही। हाँ, नेटवर्क आ गई हर हरी बाबू, नेटवर्क तो हाइट ना ली दे। जी देखिए फ्रेंड्स की ये दोनों है, वो पूरे के पूरे बादल में है। ये देखो, ये फॉग है पूरे का पूरा, ये बादल में मुझे भी दिखाई दे रहा है पर ये कैमरा नहीं आता है। ये पूरे, ये दोनों बादल में चल रहे हैं। ये देखिए पूरा माउंटेन व्यू। अभी तो फिर बारिश का सीजन है तो ये पूरा व्यू शानदार दिख रहा है और इस पहाड़ से कहीं कहीं पानी भी टपक रहा है। मेरे को दिखा, ये रास्ते में आप गुफा तक पहुंचते जाते हो तो वहाँ बीच बीच में ये पानी की सुविधा भी परशुराम सेवा ट्रस्ट ने उपलब्ध कराई है। और पीछे देखिए कितना शानदार नजारा है। देखिए यहाँ कितना शानदार, अगर आपको पहाड़ों से प्रेम है और इन पेड़ पौधों से प्रेम है तो आप एक बार अवश्य परशुराम मंदिर का मुलाकात करें, आपका दिल खुश हो जाएगा सही में। इधर कोई प्राणी का स्रोत है, झरना बह रहा है, आवाज़ आ रही है गिरने की, लेकिन इधर से दिख नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ घने पेड़ है। तो
ये आने का रास्ता है और इधर होके हमको इधर जाना पड़ेगा, तब जाकर के परशुराम मंदिर की जो मुख्य गुफा है उसका दर्शन आप कर पाएंगे। और ये उस साइड का नज़ारा, टावर नीचे है शेर ले आओ महादेव की जय हो। राम जोधपुर है कि जगह इस महादेव जी को राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भक्तगण महादेव जी के जो दर्शन हेतु आते हैं और उनका दर्शन पाके धन्य होते हैं। यहाँ निरंतर पानी का स्रोत बहता रहता है, तो यहाँ नील भी इधर होती है, तो उसे भी कहिए फिसल न जाओ। यह सावधानी पूर्वक हमें चलकर आगे जाना पड़ता है। यहाँ दर्शन करने हेतु भक्तगण को बहुत देर तक लाइन में शिस्तबद्ध तरीके से खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ कोई प्रशासनिक रूप से तो कोई सेवा नहीं होती है, पर भक्तगण को स्वयं शिस्त का पालन करना होता है। ये बड़ी चट्टान पर प्राकृतिक यानी कुदरती रूप से हनुमान जी की प्रतिकृति बनी हुई है, मूर्ति है, तो उसका हम दर्शन कर सकते हैं। हम आरती के समय यहाँ पहुँचे थे, तो अभी आरती चल रही थी, तो हमें भी आरती का लाभ मिला। और आरती पूरी होते ही
जो पूजा की थाली है वह लेकर के महाराज जी निकले हैं और हम उस आरती का लाभ उठा पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ सावधानी पूर्वक बहुत ही संभाल कर ऊपर या नीचे उतरना चढ़ना पड़ता है। छोटे बड़े, युवा बुजुर्ग सब लोग परशुराम जी महादेव जी के दर्शन हेतु इधर आए हैं और उसका दर्शन पाके सब लाभान्वित। ये है पार्वती जी और ये है भगवान परशुराम। ये है मुख्य गुफा, वहाँ आप शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। सावन के महीने में यहाँ बहुत सारी भीड़ लगती है लोगों की, कभी तीन तीन घंटे या चार पाँच घंटे भी लाइन में रहना पड़ता है तब जाकर के हम दर्शन कर सकते हैं। ओके आइयो यहाँ। बंदर की तादाद बहुत सारी मात्रा में है और वह अपनी मस्ती में बहुत मजा लूट रहे होते हैं। और यह वन्य जीव है, उनको हम अपनी तरीके से कोई छेड़छाड़ या फिर दूसरी कोई नहीं कर सकते, उनको अपनी तरीके से वो रहने देते हैं, जीने देते हैं। कोई अपने लाया हुआ खोराक भी उसको नहीं दे सकते हैं, उनको सिर्फ देख सकते हैं, मजा ले सकते हैं। इतने शानदार प्राणी, कोई आराम कर रहा है तो कोई बैठा है, कोई अपने अपने जीवन में मस्त है। देखो सब थक गए हैं मेरे दोस्त लोग, पसीना पसीना हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप इधर आओ तो जाना तो पड़ेगा, जाता है तो हमारे लिए बहुत ही अमृत के समान लगता है। ये परशुराम जी ट्रस्ट की ओर से धर्मशाला है, वहाँ ठहरने की आपको व्यवस्था मिलेगी।